प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग इसी क्रम में अगला चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पीछे हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़ा उस चैप्टर्स के बाद हम लोग सीखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है ना, जिसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए हम लोग कभी आगे चल करके हम लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड एक चैप्टर पढ़े होंगे। और गुणनखंड में जैसे मान लीजिए कोई भी पावर्स का, जैसे एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो तो इसको एक्स इक्वल टू टू लिख लेते, माइनस टू है ना, तो ये इजी है। लेकिन अगर वहीं कहीं हम लोगों को इसका एक रूप दे दे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है ना, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग इसका एक मल्टीपल फैक्टर लेते हैं। कैसे लेते हैं, थ्री मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इसका टू वन ज़ा टू, तो ये यहाँ हम लोग फोर ले लेते हैं, माइनस टू एक्स और प्लस वन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेंगे इसको माइनस एक्स प्लस वन, ठीक। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो एक्स माइनस वन, और माइनस वन कॉमन है एक्स माइनस वन, दोनों में कॉमन फैक्टर जो है एक्स माइनस वन का है और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर पाते थे। तो एक्स के दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। हम कहना क्या चाहते हैं, अब हम विभाजन एल्गोरिथम में ये चेक करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स जो पी एक्स है, किसी न किसी एक्स पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, मान लीजिए कोई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है जो टू एक्स इक्वल टू टू पर जीरो हो जाता है, तो अगर वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू टू पर जीरो हो जाता है तो टू जो है उसका फैक्टर एक होता है। अर्थात यहाँ हम लोग अगर एक्स इक्वल टू वन निकाले तो इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि क्या करिए कि अगर आपको किसी एक द्विघातक, तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन जब वो समी इक्वेशन जब त्रिघातक में चले जाते हैं, जैसे इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, इसको सॉल्व कर। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये आवश्यकता पड़ती है कि ये वैल्यू किस पर सेटिस्फाई कर जाएगा। मान लें कि ये वैल्यू वन पर अगर सेटिस्फाई हो जाता है, थ्री मल्टीप्लाइड वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री है ना, अगर ये वन पर सेटिस्फाई हो गया तो जीरो आ गया, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि एट एक्स इक्वल टू वन पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करें तो एक्स माइनस वन इसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। इस बात को ध्यान समझ, तो आगे का जो फैक्टर्स होगा वो कैसे पता चलेगा, यही बताता है कौन, विभाजन एल्गोरिथम। अगले फैक्टर्स जो होंगे हम लोग एक्स माइनस वन से अगली वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे है ना। डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री है ना, तो हम लोग जानते हैं कि यहां जो वैल्यूज होते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, डिवीजर बोलते हैं। ये जो है डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड है ना। और यहां जो आता हम लोगों को मिलने वाला होता है ये होता है कोसेंट, और एक होता है रिमाइंडर, हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, भाग, भागफल, और यहां हमको मिलता है क्या, शेषफल या शेषफल। और अगर हमें कभी भी भाज कोशेंट पता करना होता है, कोशेंट तो या डिविडेंड को पता करना होता है, डिविडेंड अगर पता करना होता है तो डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए डिवीजर जो दे रखा है डिवीजर को मल्टीप्लाई कर देंगे कोशेंट से है ना। अर्थात भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल कोशेंट, अब प्लस ऐड कर देंगे इसके साथ क्या, रिमाइंडर, इसके साथ हम लोग रिमाइंडर को ऐड कर देंगे।
तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, है ना, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये वैल्यू होती है। ठीक, ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। हम लोग मान लेते हैं डिविडेंट जो है डिवीजर, अगर हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं इसको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ पी एक्स, और इसको मान लें भागफल को क्यू एक्स, है ना, अगर इसको हम लोग क्यू एक्स मान लें, और जो हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको मान लें पी एक्स, ये पी एक्स हो गया क्यू एक्स, और शेषफल कुछ बच रहा हो मान लें शेषफल, मान लीजिए डिवीजर है, डिवीजर को हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो भाज्य पी एक्स इक्वल टू हो जाता है क्यू एक्स मल्टीप्लाइड एफ एक्स, और मान लेते हैं ये रिमाइंडर आर मिलता है एफ एक्स प्लस आर, या आर हो सकता कि एक्स का ही फंक्शन हो, आर एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, आर एक्स, तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यूज मिलेगी, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ा पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स होगा तो कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है और कोई अल्जेब्रिक वैल्यू वाला भी टर्म हो सकता है। तो कांस्टेंट टर्म और अल्जेब्रिक वैल्यू वाला अगर टर्म है तो हमें एक चीज हम लोगों को यहाँ समझ में आ गई कि यहाँ क्या मिलने वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यही हम लोग विभाजन प्रमेय में प्रयोग करेंगे। ठीक, विभाजन प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस वैल्यू का उपयोग करेंगे। डिविडेंड को हमेशा डिवीजर और कोसेंट के मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चल करके मैं लिखूंगा डिविडेंड को डिविडेंड डिवीजर गुणे कोसेंट, है ना, और प्लस रिमाइंडर, या हम लोग विभाजन एल्गोरिथम और भी पढ़ा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जहां ए जो होता है, ए जो वैल्यू है डिविडेंड है या पी एक्स है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, बी जो हो, बी जो हमारा है वो बी क्या है डिविडेंड है, और क्यू क्वोशेंट है आर रिमाइंडर, तो इसके इसका हम लोग उपयोग आगे चल करके करेंगे। लेकिन बात हम लोग इसे ध्यान रखेंगे कि ए क्या है, ए जब भी पूछा जाए तो या तो वो पॉलिनोमियल है या उसको बोलेंगे वो क्या है डिविडेंड है, बी क्या है, बी या तो पॉलिनोमियल है या बी जो है बी क्या है डिवीजर, बी क्या है डिवीजर, और क्यू क्या है यहाँ पर क्वेशेंट होता है, और आर क्या होता है रिमाइंडर होता है। ठीक, जैसे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सीखते हैं और उसका उपयोग आगे चल करके देखेंगे। ठीक, जैसे मान लिया जाए ये क्वेश्चन हमको दे रखा, कितना दे रखा, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस टू से, ना, कभी भी ऐसे डिवीजन हो, इस तरह की डिवीजन हो, कैसे करेंगे इसका डिवीजन, देखिए हमें इस फर्स्ट वाले टर्म को इससे मिलाना चाहिए, है ना, फर्स्ट वाले जो डिवीजर है उसके फर्स्ट टर्म को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के साथ मिलाइए, है ना, अर्थात यहाँ 2x² इसकी मल्टीपल से मिल जाना चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करें, मुझे लगता है अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² दे देगा, और वैल्यू भी मिलेगी जहां इसके साथ लाइक टर्म होगा उसके ऊपर नीचे लिख लेंगे, अगर अनलाइक है तो किनारे लिख लेंगे, ये हम लोग चेक करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 4x हो गया, है ना, और कभी भी आगे बढ़ना है तो यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्शन का साइन लगा, चिन्ह बदल देते हैं। ठीक, भाग में घटाना होता है इसलिए चिन्ह बदल दिया जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा यहाँ पर बचेगा -x + 1। ठीक, अब हमें -x चाहिए, इसी इसी से चेक करेंगे, अगर हम लोग यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे पता है कि ये -x हो जाएगा और ये क्या बचेगा -2, है ना, तो भाग देने पर हमने बताया कि साइन हमेशा क्या करेंगे बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 3, तो ये हमारा क्या रहा रिमाइंडर रहा, ये हमारा रिमाइंडर रहा, और ये क्या रहा अभी बताया मैंने, जब भी डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कोसेंट होगा, कोसेंट होगा,
और ये हमारा क्या होगा, डिवीजर, ये क्या होगा, डिवीजर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। अभी भी क्वेश्चन में केवल भाग देना, किससे भाग, किसमें भाग देना, 3x² + x² + 2x + 5, 2x + 5 को डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना, x² + 2x + 1 से डिवाइड करना, x² + 2x + 1 से क्या करना, डिवाइड करना। तो कभी भी घबराए नहीं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन का ये हमेशा यही रूल ये होता है कि इस क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म जो पहला पद है उस पद को हम लोग सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से मिला कर देखें कितना चाहिए। तो ये x² यहाँ 3 है, तो 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, 3 का कितने का, 3 का, और ये 3x³ है सर, 3 का और x का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 3x³ ये दे देगा। ये 3x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 6x² देगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 3x हो जाएगा। अब ये जब भी कभी भाग देते हैं इसमें तो हम लोग यहाँ सब्सट्रैक्शन का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ सब्सट्रैक्शन लगा दें, ठीक, नीचे तो चिन्ह मतलब बदल देते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा हमें 5x² और यहाँ मिलेगा -x+। अब इसके फर्स्ट टर्म को और इससे हम लोग देखेंगे तो x² तो है ही, और यहाँ क्या है, -5 है, तो मुझे लगता है कि -5 से अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पर -5 टाइम्स ले जाएं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा -5x² और -10x और -5, है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका चिन्ह जो साइन दे रखा है उस साइन को चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये भी क्या हो जाएगा होगा, ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +9x हो जाएगा, और ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब जब कभी भी आप डिवीजन कर रहे होंगे और इसका पावर जो डिवीजर का पावर है रिमाइंडर के पावर से कम हो गया, जो रिमाइंडर है उसके पावर से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आगे हम भाग देना क्या करेंगे, बंद कर देंगे, आगे भाग नहीं देंगे, जाता है लेकिन इससे आगे भाग नहीं देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, डिवीजर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया, कोसेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसका भाग देंगे। आगे देखते हैं, अब देखिए हम एक चीज यहां बना रखे हैं पहले से ही, हम भाग का प्रक्रिया पीछे समझाए हैं कि जो भाग देता है वो क्या है, डिवीजर, जिसमें भाग दिया जाता है डिविडेंड, और जिस जो मिलता है कोसेंट, और लास्ट इसमें जो नीचे मिलता है उसके क्या, रिमाइंडर, जितनी बार जाता है वो कोसेंट और जो बचता है वो क्या है, रिमाइंडर। ठीक, और मैंने बताया था ये क्या होता, इसको वो हम लोग बोलते हैं, हमारा ये टर्म डिविडेंड ए होता है, ये बी होता है, और ये क्यू होता है, और ये आर होता है। और हम लोगों ने इसके पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा था ए इक्वल टू क्या होता है, BQ+R। अगर ऐसा दिख गया तो हमें कभी भी विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करने के लिए कहेगा तो हम लोग ए इक्वल टू BQ+R का उपयोग करें, कोई बात नहीं। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3x² देखिए समझिएगा इसको, 3x² - x³ - 3x+1 है ना। तो कभी भी दिए गए क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसका एक नियम होता है कि कभी भी घात के घटते क्रम में लिखा जाता है ना, ये नहीं कि डायरेक्ट उसी पर क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं, घात के घटते क्रम में। सबसे बड़ी घात वाली वैल्यू क्या है, x³, 3 + 3x² - 3x+ क्या है ना। और यहाँ जो क्या रखा है, हमारे पास क्या है, डिवीजर जो है डिवीजर भी क्रम में नहीं है, x - 1 - x² ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको मैंने बताया जो डिविडेंड होगा ए होगा, ए की वैल्यू हो गई, और हमारे पास जो डिवीजर है बी की वैल्यू क्या रखा, ये क्रम में, तो हम क्रम में लिखेंगे -x² + x - 1 है ना, और हमें पता करना क्यू और आर। ठीक, आइए भाग देते हैं, भाग जब देंगे तो -x² + x - 1 + x - 1 डिवाइड करेगा किसको, -x³ + 3x² - 3x+5 ना। फिर वही सारी बातें जो मैंने पीछे बताया अभी, आप क्या समझाया,
यहाँ देखिए माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, एक्स से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस एक्स क्यू आपको मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं, साइन जब चेंज करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या प्लस हो जाएगा। अब एडिशन जब करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ हमको बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू एक्स प्लस फाइव है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है कितनी टाइम्स है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में बनाने के लिए माइनस टू का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस टू का माइनस टू एक्स, और यहाँ क्या हो प्लस कितना टू। अब हम सब्सट्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और रिमाइंडर हमको क्या मिला थ्री, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक। कोई बात नहीं, और वेरीफाई भी करना, तो जो रिमाइंडर है ये आर की वैल्यू होगी, तो हमें ए की वैल्यू क्या दे रखा, बी की वैल्यू क्या दे पता चल गया, क्यू की वैल्यू हमको क्या मिला एक्स माइनस टू मिला है, और आर की वैल्यू क्या मिला थ्री। तो हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सी, ए की वैल्यू क्या देख, बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू एक्स माइनस टू है, और क्यू सॉरी बी की वैल्यू हमारा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है क्यू की वैल्यू एक्स माइनस टू, और प्लस यहाँ क्या रखेंगे थ्री, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे चेक करने के लिए, जब चेक करेंगे तो यहाँ देखिए, हाँ यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस सारे टर्म इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हमको मिलेगा क्या माइनस एक्स क्यू, और यहाँ होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ होगा तो माइनस एक्स। अब टू का भी इसी तरह से तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना टू एक्स, और माइनस टू और प्लस थ्री है ना। तो एक्स क्यू एक बार है माइनस एक्स क्यू, और यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस टू और प्लस थ्री प्लस वन हो जाएगा। तो क्या हमारा ये जो बी क्यू पहले ए था ये ए है, माइनस एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, जरा देखिएगा इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक किए। देखिए हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक किया था, क्या क्या मिस्टेक किया था, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ प्लस टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो होगा माइनस, हमने चिन्ह साइन जो छोड़ा माइनस टू एक्स होगा, और यहाँ पर प्लस टू होगा। अब ठीक है ना। अब इसका एडिशन ले लेते हैं तो माइनस एक्स क्यू, और यहाँ पर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये को ऐड करेंगे माइनस थ्री एक्स, और ये ऐड हो जाएगा तो प्लस फाइव। तो हमें ये देख रहा होगा जो हमें अभी वैल्यू मिली है ये वाली जो हमने सॉल्व करके लाया, तो जो पहले वाली वैल्यू है ए की वैल्यू वही मिल गया। हम लोग चेक किए हैं, क्या चेक करना था, कहा था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि वेरीफाई, तो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, हम लोग लिखेंगे यहां पर वेरीफाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर रहे होंगे, तो इसमें रख देंगे तो हम लोगों को जो वैल्यू है उस तरह की वैल्यू ए की वैल्यू पुनः फाइंड आउट हो जाए, तो ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं तब जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसमें चैप्टर्स के क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसे करा, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए भाग दे करके हम लोग चेक करते हैं सारी वैल्यूज को, क्या क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स स्क्वायर डिवाइड करना एक्स स्क्वायर माइनस टू से किसको डिवाइड करना, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हम लोग को डिवाइड करना, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री है ना। तो हम लोग इसको एक्स टाइम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिला, एक्स क्यू माइनस
यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स मिलेगा। ठीक, तो हम लोग वो हमने बताया था लाइक टर्म जो होंगे उनको एक साथ लेंगे। ठीक, लाइक टर्म को जब एक साथ लेंगे तो यहाँ हम लोगों के पास सब्सट्रैक्शन का जो साइन होगा, यहाँ सब्सट्रैक्शन ये प्लस एडिशन में चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा जो वैल्यू है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, जो ज्यादा घात की वैल्यू पहले लिखेंगे, और प्लस ये 7x हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री टाइम्स अगर इसको हम लोग ले जाएंगे तो कितना मिलेगा, और माइनस थ्री इसको नीचे उतार लेते हैं, माइनस थ्री टाइम भी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और थ्री टू टू जाकर 3 2 6, 3 2 6 है ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 7x-9, 7x-9, तो हमारा जो कोसेंट है वो एक्स माइनस थ्री हो गया और रिमाइंडर जो हो गया क्या हो गया 7x-9। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की को देखते हैं हम लोग, वही दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में डिवीजन दिखाना है। कौन सा डिवीजन, पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स की बस दे रहा है जी एक्स से डिवाइड करना है, जी एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिखेंगे, क्रम में लिख लेंगे है ना। और पी एक्स जो दे रखा है कितना, एक्स के पावर फोर, एक्स के पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसको भी ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें फोर टाइम्स है। ठीक, फोर टाइम्स का मतलब एक्स के पावर टू से मल्टीप्लाई करें यहाँ, तो हमें एक्स पावर फोर मिल जाएगा, यहाँ होगा तो माइनस, यहाँ देखिएगा माइनस में एक्स क्यूब मिल जाएगा, उसको किनारे रखेंगे और यहां मल्टीप्लाई करेगा यहां, तो प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब भी कभी, हाँ, जो लाइक अनलाइक टर्म होता है उसको किनारे लिख चले जाते हैं, अब साइन चेंज कर देते हैं सबका। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ हम लोगों को पहले इसको लाएंगे अधिक घात वाले एक्स क्यूब, इसके साथ हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस से फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फोर एक्स, इसको हम लोग नीचे उतार लें। ठीक, अब देखिए एक्स क्यू पाने के लिए हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा और यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब फिर पुनः साइन अगर चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये कैंसिल आउट हो गया, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हमारे पास बचेगा और प्लस थ्री एक्स यहाँ होगा और ये फाइव को नीचे लाएंगे, सारी वैल्यूज हम लोग नीचे डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर माइनस थ्री टाइम जाएगा, माइनस थ्री टाइम जाएगा तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और प्लस थ्री एक्स ये होगा और यहाँ पर माइनस से माइनस थ्री। अब इसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे। ठीक, मत साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हमारा जो कोसेंट रहा, कोसेंट कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर जो हमारा है वो कितना है 8 है, कोसेंट और रिमाइंडर इस तरह से बता लें। ठीक, आगे देखते हैं, उसी में तीसरा क्वेश्चन और है, कौन सा, पी एक्स की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, पी एक्स की वैल्यू दे रखा है एक्स के पावर फाइव, एक्स के पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स की वैल्यू दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्रम में लिख लेंगे उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग डिवाइड करें। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को बड़ी ध्यान से अगर नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन मिस्टेक कर सकता है, तो ध्यान समझिएगा। हाँ, देखिए एक्स से पावर फोर है और प्लस भी है, तो माइनस से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा और एक्स माइनस से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से पावर फोर हमें मिल जाएगा और यहाँ देखिएगा एक्स से पावर टू से जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर किनारे कर देंगे। ठीक, अब हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस और इसको ये कैंसिल आउट हो गया, इसको आगे लाएंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। अब टू एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखा माइनस में, तो माइनस लाना ही पड़ेगा, माइनस कितना टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को यहाँ प्लस सिक्स भी ले लेते हैं, यहाँ जो माइनस टू मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस से प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और टू टाइम्स ये मल्टीप्लाई करेगा कौन, टू टू जा फोर है ना, तो टू टू जा फोर माइनस फोर होगा, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला क्या माइनस फाइव एक्स प्लस 10।
हमने एक चीज सिखाया था आपको, कभी भी जो रिमाइंडर का पावर अगर डिवीजर के पावर से कम हो गया तो आगे भाग ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कोसेंट जो बन गया, ये कोसेंट हो गया ये वैल्यू, और ये जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई, रिमाइंडर, ठीक। तो हमें आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आए कि जो भी आते हैं मैंने बताया, वीडियोस को फिर पीछे करके आगे करके देखिए, पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी मैंने क्या समझाया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पर इसमें क्वेश्चन में कह रहा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके करके जांच कीजिए, क्या ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, कभी भी अगर कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो उससे डिवीजर से रिमाइंडर जीरो आता है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो उसका गुणनखंड नहीं। फिर से सुन लीजिए, कभी भी अगर डिवीजर से किसी भी पॉलिनोमियल में हम लोग डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जीरो हो गया ना, तो वो उसका मल्टी फैक्टर होगा, है ना। सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल चेक करना है, उसका वो फैक्टर होगा अन्यथा नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं इन सब सभी चीजों को। पहला क्वेश्चन में टी स्क्वायर से डिवाइड कर करके चेक करना है किसको, क्या इसको चेक करना है, ये 2t के पावर 4 + 3t³ और -2t² - 9t - 12 का ये फैक्टर है ना। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो जो फैक्टर दे रखा है उस फैक्टर से वैल्यू निकालिए और इसमें रखिए क्या ये जीरो बना रहा, एक वो है। फिर से सुनिए, दी गई वैल्यू को से वैल्यू निकालिए और उसमें पूर्ण फुट करिए क्या ये जीरो हो रहा, तो भी सही है, अन्यथा भाग देके देखिए क्या रिमाइंडर जीरो मिला। तो हम ये चेक कर रहे हैं, है ना, बारी बारी से रखने से अच्छा हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ 2t के पावर 4 है, तो मैंने कहा इसका जब भी हम डिवीजन करेंगे तो 2t के पावर 4 के लिए डिवीजन के लिए हमें क्या करना होगा, 2t के पावर 4 के लिए हमें 2t² का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 2t के पावर 4 मिल गया, लेकिन 2t² यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, कितना, -6t² हो, ठीक। अब ये जो वैल्यू है माइनस, और इसको प्लस करके कैंसिल आउट कर लें, 3t की वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 4t² हमें मिल जाएगा, ठीक। फिर आगे चेक करते हैं और -9t भी ले लेते हैं। आगे देखते हैं, ये टी स्क्वायर है, -3t³ चाहिए तो +3t से हमें मल्टीप्लाई करना, 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t³ और यहाँ पर 3 3 जा 9t, हम लोगों को कितना मिल जाएगा, -90। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जब इसको वैल्यूज लेंगे, ठीक, तो चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, नीचे हमको मिल जाएगा 4t² ना, और यहाँ से अभी 12 हमारे पास है तो 4 तो चाहिए, माइनस में भी चाहिए, तो -3t तो हो ही चुका, -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो -4t² ये दे देगा, ठीक है। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करें +12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम इसका साइन चेंज कर देते, साइन जब चेंज करेंगे तो देखिए, सॉरी एक चीज और देखिए, यहाँ जो वैल्यू हमने देखा माइनस में है ना, और ये प्लस में, बड़ी वैल्यू होती है प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, तो हमें प्लस से ही डिवीजन करना ना, तो प्लस से करेंगे तो हमें मिलेगा 4t² और यहाँ जो -12 है, -12 यहाँ पर भी मिलेगा हम लोगों को -12, तो हमें लगता है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं अपन उसमें कैंसिल आ गए, रिमाइंडर जीरो मिल गई। जब भी कभी रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो उसका फैक्टर होगा हियर आफ्टर डिवीजन द पॉलिनोमियल वी फाइंड रिमाइंडर इज जीरो, हेंस वी कैन से, हम कह सकते हैं कि t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 + 3t² - 2t² - 9t + -12, है ना, ऐसा लिख देंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला है, उसमें भी चेक करना, कैसे चेक करेंगे समझते हैं। बहुत कठिन नहीं होता, सामान्य रूप से अगर इसको क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा है, क्या है, x² + 3x + 1, है ना, और इसको डिवाइड करना 3x के पावर 4 और +5x³ और माइनस कितना, -7x² + 2x + 2, है ना, ये दे रखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे जो 3x के पावर 4 है, 3x के पावर 4 में हम तभी बना सकते हैं जब इसमें मल्टीपल कितने का, 3x² रखें, 4 मिल जाएगा। 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x के पावर 4
और 3 3 जा 9 एक्स क्यूब और 3 1 जा 3 3 x2। अब इसमें साइन हम चेंज कर देंगे, चिन्ह चिन्ह बदल के देखते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक, कैंसिल आउट। और यहाँ बच जाएगा -4x³ और यहाँ हमारे पास होगा -10x² और +2x भी नीचे ले लेते हैं। अब हमारे पास -4 तब मिलेगा जब -4 का मल्टीप्लाई करें और साथ साथ क्यू मिलेगा जब एक्स का मल्टीप्लाई करें ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ हो जाएगा और यहाँ होगा -12x² और यहाँ होगा -4x। ठीक, साइन चेंज कर देते हैं इन सब का। साइन जब चेंज करेंगे, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, है ना। साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x² और ये हो जाएगा +10x, है ना, और +2। तो ये जब ऐड करेंगे 6x होगा, सॉरी, ये ऐड करेंगे 6x और +2, है ना। अब हम इसको कितने टाइम्स ले चलें, 2 टाइम्स ले चलें, +2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2x² +6x+2, है ना। और ये टोटल अगर हम ज्यों ही साइन चेंज करेंगे, टोटल वैल्यूज क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। हम कहेंगे अब आफ्टर डिवीजन वी कैन फाइंड द रिमाइंडर इज 0, सो वी कैन से x² + 3x + 1 इज द फैक्टर ऑफ 3x^4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। ठीक, मतलब कहेंगे क्योंकि इसका जो शेषफल है शून्य है भाग देने पर, अतः x² + 3x + 1 3x^4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें और है, कौन सा क्वेश्चन है, x³ - 3x + 1, x³ - 3x + 1 इससे डिवाइड करना है, किसको, यहां लिख लेते हैं, x³ - 3x + 1 से डिवाइड करना है किसको, हम लिख रहे हैं यहां डिवाइजन डिवीजन कर देते हैं, x^5 - 4x³ और +x² + 3x + 1, इसको डिवीजन कर। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पुनः वही रूल्स अपनाएंगे डिवीजन के लिए। कौन सा रूल, यहाँ x^5 है तो x² से मल्टीप्लाई कर दें, x^5 मिल जाएगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3x³ हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा +x². अब इसका सब्सट्रैक्शन ले लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -x³ और यहाँ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा +3x + 1। अब देखते हैं, अगर हम लोग इसको -1 टाइम ले जाएं, क्या हो जाएगा, -x³ और -3x जो है +3x देगा और ये माइनस, साइन चेंज कर देते हैं सबका, साइन चेंज के ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बोलिए, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। और जब कैंसिल आउट होगा तो हमें क्या रिमाइंडर मिल जाएगा, 2। और रिमाइंडर 2 मिल जाने से करेंगे डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं हेंस x³ - 3x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x^5 - 4x³ + x² + 3x + 1 बिकॉज इट्स रिमाइंडर इज नॉट 0, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग वापस चलते हैं। अभी मैंने हमने आपको लिए एक एग्जाम्पल छोड़ा है, इसको समझ लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स, ये वाला एग्जाम्पल, तब जाकर आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल्स होता है, एक चीज ध्यान रखेंगे, पॉलिनोमियल्स में एक होता है x-α और एक होता है x-α x-β, है ना, और एक होता है x-α x-β और x-γ, इसी तरह से डेल्टा थीटा फाई बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो अगर 4 घात का है तो x-α x-β x-γ और x-δ, तो पॉलिनोमियल्स अगर वो ऐसा है उसके शून्य पता होते हैं, इसके फैक्टर इतने होते हैं, 1 के घात, 4 वाले कितने फैक्टर, 3 वाले कितने और 2 वाले कितने, 1 तक खुद का फैक्टर। जैसे अर्थात 4 घात के जो मान होते हैं उनके 4 घात अगर है,
है ना, पावर फोर पावर का कोई भी पॉलीनोमियल है तो उसके चार वैल्यू होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तीन घात का तीन वैल्यू होता है तो इसके समीकरण ऐसे लिखते हैं, दो घात की वैल्यू है दो घात का है तो समीकरण ऐसे लिखते हैं ना। तो ये चीज़ हमने समझाया। तो मेरे कहने का मतलब अभी जो 9th नंबर एग्जाम्पल जो दे रखा है, तो 2x^4 − 3x³ − 3x² + 6x − 2 फोर पावर्स का है, इसका मतलब ये जो फैक्टर फैक्टर्स होंगे यही होंगे ना, जिसमें से अल्फा बीटा गामा जो क्या है इसके, क्या है अल्फा बीटा गामा इसके मूल्स होते हैं, शून्य होते हैं। अगर शून्य हो रहे हैं तो इसका मतलब मान ले दो मूल्स दे रहे हैं, एक अल्फा इक्वल टू रूट टू तो बीटा इक्वल टू माइनस रूट टू, ये दो दे रखा तो हमें इतनी वैल्यू को पता कर लेते हैं, और इस वैल्यू से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, और नेक्स्ट हम लोग शून्य जो बचे हैं उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अल्फा बीटा हम लोग जानते हैं, इसको लेंगे कैसे लेंगे, दो दिए गए हैं दो मिल्स, तो एक्स माइनस रूट टू और एक्स माइनस माइनस से हो क्या हो जाएगा प्लस रूट टू, है ना, ये पता चल गया। तो इन दोनों को मिला करके x² - 2 मिल जाएगा। अब ये टोटल वैल्यू हमें पता चल गई, तो अगली वाली वैल्यू पता कर, अगली वाली वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग x² - 2 से डिवाइड करके इतनी वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे, किसमें से, 2x^4 − 3x³ − 3x² + 6x - 2 से निकालेंगे। ठीक है, यहां से जब इस वैल्यू को निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, एक्स 2x² टाइम ले जाएंगे, तो 2x^4 और माइनस ये −4x, 2 2 = 4x² ठीक। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, और −3x³ और माइनस ये है +3x² और +6x हम लोग नोट कर लें, है ना, −2 मन करे तो −2 मिले। ठीक, −3x³ तब मिलेगा जब −3x का मल्टीप्लाई कर दें, तो −3x³ यहाँ मिल जाएगा, यहाँ करेंगे तो 6x कितना माइनस माइनस से +6x मिल जाएगा। ठीक, अगर अब इस वैल्यू को देखें तो हमें लगता है इसे प्लस या इसको माइनस करें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मिला 3x² - 2। 3x² - 2 में हमें लगता है इसमें 3 का ये पूरी वैल्यू कट जाना चाहिए, तो हम लोग देखें यहाँ पर 2x² 2x^4 2 2 = 4 − 4, तो यहाँ आएगा +3x² − 3x³ और −3x से मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 = 6x लिख दिया हमने, 6x - 2 रखा, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन हमने −3x² लिख रखा और यहाँ लिखा गया कितना x², अब ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ क्या मिल गया कितना, ये जो वैल्यू है अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो +x² मिलेगा। तो नीचे हम लोगों को क्या मिल गया x² - 2, तो अब आगे भाग देंगे, आगे भाग देंगे तो हमें 1 टाइम से ये जाने जाते हुए मिलेगा x² - 2। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर दें, कट जाए कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 रिमाइंडर मिलेगा, तो अगला फैक्टर मिल गया 2x² - 3x + 1, है ना, तो हमें ये मान लेते हैं qx मिल गया। अब इसका फैक्टर कर डालेंगे, ठीक फैक्टर कर डालेंगे, इसके जो जीरोज निकालना है तो 2 1 = 2, तो 2x² - 2x - x + 1 लेंगे, यहाँ 2x कॉमन होगा तो x - 1 लेंगे, -1 कॉमन होगा तो x - 1 लेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर x - 1 है, 2x - 1 कॉमन फैक्टर होगा, है ना। जब हम लोग qx जीरोज निकालना है तो इसके इक्वल 0 लेंगे, तो x - 1 = 0 लेंगे या 2x - 1 = 0 लेंगे, x की एक वैल्यू आ जाएगी 1 और x की एक वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अगले शून्य ज्ञात करना था, जो वैल्यू आ गई क्या x = 1 और x = 1/2। ठीक, ये आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर का जो क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, सेम उसी तरह का है ना, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, और भी आएंगे, तीसरा क्वेश्चन है और हमारे पास चौथा भी क्वेश्चन है उसी तरह का है, और इसी तरह से हम लोग पांचवा भी क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। उसके बाद ऐच्छिक प्रश्नावली शुरू होगा, लेकिन पहले हम लोग इसको देख लें, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा,
एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वन है ना, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ। इसमें थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चंस में, इसमें कटा ये है कि यह है 3x के पावर 4 और प्लस 6x क्यूब, तो हम लोग यहां से सही कर लेते हैं क्वेश्चन को। 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है ना, कि इस करा है शून्य, जीरोस कितने हैं, ये भी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक से आ गया, इसको भी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ये भी ज्ञात करेंगे। इसमें जीरोस दे रहा है, इफ डी टू जीरोस दे रखा है, कौन कौन से जीरोस हैं, एक है एक्स की वैल्यू रूट अंडर रूट फाइव बाई थ्री और एक एक्स की वैल्यू माइनस रूट फाइव बाई थ्री, कोई दिक्कत नहीं। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा वाले वैल्यू लेंगे तो हमारा ये मान लिया जाए कि एक वैल्यू बन रहा है पी एक्स है ना, पॉलीनोमियल ऑफ एक्स है पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स कुछ भी मान लें, मान लें जी एक्स ही बन रहा है ठीक, और ये हमारा पी एक्स दे रहा था ठीक है, तो इसमें एक जी एक्स है एक्स माइनस रूट फाइव बाई थ्री और एक लेंगे एक्स प्लस रूट फाइव बाई थ्री है ना, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में, क्योंकि हमने अभी समझाया कि फोर पावर्स के कभी भी जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा की तरह होते हैं ठीक। तो इसमें टू रूट्स दे रखे हैं, हमने यहाँ एक वैल्यू पुट कर दिया एक यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो ये मान हमको ज्ञात करना है, तो ये वर्गांतर के सूत्र से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री, रूट का स्क्वायर होगा फाइव बाई थ्री मिल जाएगा ठीक है। चलिए अब इस चीज का हम लोग उपयोग करके इसमें डिवीजन यूज करते हैं, यूज करते हैं। अब जी पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, किसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री से डिवाइड करना है किसको, हमारे पास है थ्री एक्स के पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, इसको डिवाइड करना ठीक है। जब डिवाइड करेंगे देखते हैं क्या हाथ क्या जाता, ये थ्री एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा तो थ्री एक्स के पावर फोर हो जाएगा और यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री से कैंसिल आउट होगा तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ठीक है। तो ये माइनस और इसको प्लस करेंगे कैंसिल आउट हो गए ठीक, तो यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर सॉरी इसको पहले नोट कर लेते हैं सिक्स एक्स क्यू और यहाँ से मिल जाएगा प्लस कितना थ्री एक्स स्क्वायर है ना, और हमारे साथ क्या रहा माइनस टेन एक्स भी नीचे ले लें ठीक, एक्स क्यू है सिक्स एक्स क्यू है तो प्लस सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो प्लस सिक्स एक्स क्यू मिल जाए और यहाँ पर भी जब होगा तो थ्री टू जा सिक्स फाइव टू जा टेन प्लस टेन एक्स मिल जाए ना, तो टेन एक्स मिलेगा तो यहाँ हम लोग साइन जब चेंज करेंगे माइनस माइनस नहीं सॉरी यहाँ माइनस टेन एक्स मिलेगा, साइन चेंज करेंगे प्लस क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस से माइनस में ये भी कट जाएगा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस फाइव, तो मुझे लगता है थ्री टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिला, थ्री टाइम मल्टीप्लाई करने पर थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव ही मिलेगा और यह जब साइन चेंज करेंगे टोटल वैल्यू कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाए क्योंकि इसका इसी का फैक्टर है तो जीरो ही रिमाइंडर आता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अन्य रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या दे रखा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू इसको जीरो लेते हैं ठीक, इसके शून्य निकालेंगे थ्री थ्री जा नाइन तो और थ्री थ्री सिक्स हो जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ऐसे ले लेते हैं ठीक है, और वैसे भी थ्री कॉमन फैक्टर इस थ्री से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो मिल जाए ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये जो है एक्स प्लस वन का क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जीरो ठीक है, तो एक्स प्लस वन का जो होल स्क्वायर होने का मतलब ये है कि इसको हम एक्स प्लस वन को टू टाइम्स लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स को दो बार लेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन, ऐसा क्यों, क्योंकि फोर पावर्स का इक्वेशन है, फोर पावर का इक्वेशन है तो एक अल्फा एक बीटा तो एक गामा और एक डेल्टा है ना, तो ये वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि हमें चार घात का समीकरण ज्ञात करना है, तो हमें जो हमारा जो पूरा वो जो वैल्यू है ना
जो अभी हम लोग निकाले हैं किससे, एक निकाले हैं एक्स माइनस रूट फाइव बाई थ्री और पी एक्स इसी से मिलेगा, हमारा जो पी एक्स इसी एक्स माइनस रूट फाइव बाई थ्री एक्स प्लस रूट फाइव बाई थ्री और एक एक्स प्लस वन और पुनः एक्स प्लस इससे मिलेगा ना। अगर आप यहाँ स्क्वायर को जीरो के साइड में दे देंगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तब त्रिघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन हमें चार घात का समीकरण चाहिए इसलिए ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कह रहा ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, तो हमें एक पी एक्स की वैल्यू दे रखा है क्या, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसको डिवाइड करते हैं, किसको, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, पॉलिनोमियल जी एक्स, पॉलिनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, यहाँ से डिवाइड कर दें, तो हमारा जो कोसेंट है, कोसेंट कह रहा है एक्स माइनस टू है, और जो रिमाइंडर है वो कितना है, माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो फाइंड जी एक्स कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं, हमने बताया था इसको मान लेते हैं पी एक्स, क्यू एक्स है, तो जो जी एक्स हमें फाइंड करना है, हम लोग जानते हैं पी एक्स बराबर होता है, पी एक्स बराबर क्या, पी एक्स बराबर सॉरी जी एक्स इंटू, ये मान लेते हैं क्यू एक्स है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर रिमाइंडर के बराबर होता है, तो पी एक्स की वैल्यू दे रखा है क्या, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू दे रखा है, जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू है, और रिमाइंडर जो है वो क्या है, माइनस टू एक्स प्लस फोर, रिमाइंडर को इस साइड में लाते हैं, रिमाइंडर इस साइड में आएगा तो यह हो जाएगा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू से प्लस थ्री एक्स और प्लस फोर आएगा तो माइनस टू है ना, और जी एक्स जो चाहिए ये आके तो वो तो आके यहाँ ऐड हो गया, ये सब्सट्रैक्ट हो गया, और ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कौन, एक्स माइनस टू, तो डिवाइड करने की वैल्यू तरीका क्या है, जी एक्स फाइंड आउट करने के लिए ये से इस करेंगे, एक्स माइनस टू डिवाइड कर लें किस से, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड कर, ठीक, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना टाइम होगा, एक्स स्क्वायर टाइम हो जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस कितना, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस थ्री एक्स, ठीक, माइनस एक्स टाइम जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस टू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, थ्री और माइनस टू एक्स कितना एक्स, ठीक, और यहाँ से माइनस टू, हमें लगता है फिर वन टाइम्स जाएगा ये, तो वन टाइम जाएगा एक्स माइनस टू, माइनस प्लस करेंगे टोटल वैल्यू कट करके रिमाइंडर कितना हो गया, जीरो, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, जी एक्स की वैल्यू मिल गई, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इजी वे में समझाने का प्रयास किया, हमें आशा है कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अगले चैप्टर्स के चैप्टर बाई चैप्टर एग्जाम्पल और चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा, जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। धन्यवाद जी।